दोस्तों, आप सभी को राम राम। शर्मा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सुबह लगभग 7:30 बज चुके हैं। अब आज छुट्टी है, संडे वाला दिन है। आज ऑफिस भी नहीं जाना है। अब देखते हैं बाहर का नज़ारा। अभी बिस्तर से ही उठा हूँ और आज छुट्टी है इसलिए देर से उठे हैं, और सामान यहाँ काफी फैला हुआ है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ सामान फैला हुआ है क्योंकि दोस्तों आजकल हमने किचन का रिपेयर वर्क लगाया है। और ये बिल्ली है, ये भी उठ गई है। बस अब इसने हमारा उठना सुन लिया है। अब ये खाना मांगती रहती है सुबह उठते ही। और दोस्तों, ये लगाई है हमने यहाँ किचन के ऊपर माता लक्ष्मी की मूर्ति, और इधर लगाई है हमने गणेश जी की मूर्ति, क्योंकि ऐसा पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि उठते ही यदि आप सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं और किसी और का मुंह नहीं देखते तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। दोस्तों, ये देखो, ये हमारी किचन थी, इसमें सीलन आ रही थी, बहुत ही सीलन आई थी जब हमने ऊपर की मंजिल बनाई थी, तो इसकी दीवारें काफी खराब हो गई थी, तो बहुत भद्दई लग रही थी। और ये एक छोटा सा स्टोर है, इसमें भी सीलन आ रही थी। तो हमारे बड़े भाई साहब के घर में मिस्त्री काम कर रहे थे, जब मैंने उनको दिखाया कि इसमें सीलन आ रही है और इसको हमने रंग रोगन करवाना है, रिपेयर करवानी है, तो उन्होंने इसको किचन को ठीक करने के लिए कहा था। आज वो आएंगे, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं, क्योंकि इसको अभी इसमें बिरला पुट्टी की गई है और उन्होंने कोई इसमें केमिकल डाला है जो सीलन को रोकता है। काफी बड़ी किचन है दोस्तों ये किचन। ये हमारी जो चूल्हा है जिसमें आग जलती है, और ये इसको सभी को रिपेयर करने के लिए हमने ये सारा जो काम है, सारा सामान बाहर निकाला है, और ये सारे में ये बिरला पुट्टी हुई है, देखो दोस्तों। और बाहर बहुत धूप भी निकल चुकी है, क्योंकि हमारे गांव में दोस्तों धूप सुबह बहुत जल्दी निकल जाती है, 7 बजे तक आजकल, और गर्मियों में इससे भी जल्दी। बाहर का नज़ारा देखते हैं दोस्तों, ये देखें आप, सूरज लगभग निकल चुका है और ये पूरब दिशा है दोस्तों, और ये पूरब दिशा में ही हमने तुलसी का पौधा लगा रखा है दोस्तों, जिसकी हम पूजा करते हैं। और ये दोस्तों, इधर उधर अगर हम देखें तो ये सभी पौधे हैं, और ये हमारा आंगन है, ये बना हुआ है पानी का टैंक, और ये हमारा आंगन, और ये बिल्ली तंग करती है सुबह सुबह, खाना मांगती है। और ये दोस्तों, ये दिखाऊं मैं, सीलन आने के कारण ही हमने कपबोर्ड लगाए थे, और ये सीलन से इतना खराब हो चुके हैं कि पूरी तरह सड़ गए और ये खत्म हो चुके हैं। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सीलिंग से। ये कपबोर्ड बनाए थे हमने, ये पीछे से भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब ये दोबारा बनाने हैं,
इसके लिए बोर्ड खरीद लिया गया है, ये बोर्ड खरीदा है और अब इसको हम बनाएंगे। आज मुझे बिहारीघाट मंदिर भी जाना है, आज संडे है और छुट्टी है, आज बिहारीघाट मंदिर में भी मीटिंग रखी हुई है, क्योंकि जो मंदिर के ब्रह्मलीन बाबा मंगलगिरी जी थे, सिद्ध बाबा बालकनाथ बिहारीघाट के, वो आज से 4 वर्ष पूर्व उनका देहांत हो गया था। तब से हम उनकी हर वार्षिक पर हर साल भागवत करवाते हैं। इस साल कोरोना के कारण ना तो बजट है, कमेटी के पास पैसा भी नहीं है जिससे भागवत करवाया जा सके, फिर भी आज बैठक रखी है। अब हो पाएगा भागवत या नहीं हो पाएगा ये अब आज ही डिसाइड करेंगे हम मंदिर जाके, तो अब तैयारी भी करनी है और जाना भी है, और मिस्त्री भी आएंगे आज, क्योंकि आज इसकी किचन की घसाई होगी दीवारों की और फिर पेंट होगी, क्योंकि आजकल हम ऊपरी मंजिल की किचन में रह रहे हैं, वहीं खाना बन रहा है, सब कुछ वहीं हो रहा है। और ये जब तक ठीक नहीं होती, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत है, ऊपर की मंजिल में बहुत ठंड लगती है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाने की, ताकि हम इसी मंजिल में रह सके। और कल भी मैं आपके साथ अपने जो डेली लाइफ है उसको शेयर करूंगा। आप शर्मा ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। गाड़ी भी आ चुकी है, यह हमारे गांव से पहली गाड़ी है जो यहां से होकर निकलती है। 7:30 बजे के करीब ये पहली गाड़ी हमारे गांव से निकलती है और लगभग 9:30 बजे के करीब यह गाड़ी शिमला पहुंचेगी। यह पैसेंजर ट्रेन है और हमारे गांव से होके गुजरती है दोस्तों।